दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका भी मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर आपको गर्मी में ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल गर्म हो जा रहा है, उसके आपका बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको मोबाइल में तीन सेटिंग करना है। तीन सेटिंग के जरिए आपका मोबाइल हमेशा ठंडा रहेगा, यानी कूल कूल रहेगा। तो कैसे करना है सेटिंग, चलिए आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको टाइप करना है। नीचे आएंगे जैसे बैटरी पर टाइप करके, और यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिखाई देगा पावर सेविंग मोड, यहाँ पर टाइप करके और यहाँ से आपको पावर सेविंग मोड को इनेबल कर देना है। इससे आपका बैटरी ज़्यादा, कोई भी एप्लीकेशन आपका बैटरी ज़्यादा हाई नहीं टान पाएगा और इस प्रकार से हाई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पहला सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग आपको क्या करना हो, जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग में आएंगे तो ऊपर में आपको सर्च बार में लिखना है यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग। जैसे मैंने यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग पर टाइप किया तो यहाँ पर आपको वाईफाई स्कैनिंग, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ वाईफाई स्कैनिंग, यहाँ पर आ जाएगा। वाईफाई स्कैनिंग पर सिंपली आपको टाइप करके और वाईफाई स्कैनिंग को ऑफ कर देना है यहाँ से, और यहाँ पर ब्लूटूथ स्कैनिंग को यहाँ से ऑफ कर देना है। ठीक है, इससे यही आपका फायदा होगा कि कहीं भी आपका वाईफाई स्कैनिंग नहीं हो पाएगा और नहीं आपका ब्लूटूथ स्कैन हो पाएगा। इसके कारण आपका मोबाइल बहुत कम हीट होगा। ठीक है, तो आपको ये, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है तीसरा, तो आपको क्या करना हो, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल लोगो पर टाइप करना है, यानी फोटो पर अपने टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद आपको डायरेक्ट नीचे आना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर टाइप करके, और यहाँ से आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पर आपको सिंपली टाइप करना होगा, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ऑटो अपडेट अपडेट ऐप्स, इस पर आपको टाइप करके और यहाँ से आपको डोंट ऑटो अपडेट्स को यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे यही फायदा होगा कि आपका ऑटोमेटिक जो आपके बैकग्राउंड में, यानी आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में आपका ऑटोमेटिक अपडेट्स एप्लीकेशन हो जाता था, वो अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इससे आपका मोबाइल बहुत कम गर्म होगा। इस प्रकार से आप ये तीन सेटिंग कर लीजिए, आपका मोबाइल कभी भी हीट नहीं रहेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।